फिरोजाबाद नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग प्रक्रिया हुई शुरू। मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए डीएम और एसएसपी ने एमजी कॉलेज पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया, लोगों को निष्पक्ष मतदान कराने की अपील की। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए फिरोजाबाद जिले में मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के साथ शुरू की गई है। हम बात करते हैं फिरोजाबाद नगर निगम सीट पर कुल 12 प्रत्याशी मेयर पद पर चुनाव मैदान में हैं और करीब 5,67,000 मतदाता हैं। मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ शहर के एमजी कॉलेज पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया और लोगों से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने की अपील की। और चुनाव कैसे संपन्न कराए जाए। आगरा जोन में आज प्रथम चरण में 3 जिलों में मतदान हो रहा है, मथुरा में, फिरोजाबाद में और मैनपुरी में। तीनों ही जगह पर सवेरे समय से मतदान प्रारंभ हुआ। सभी जगह पर सकुशल चुनाव संपन्न हो रहा है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रशासन ने, पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था कर रखी है। कहीं से भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना की खबर नहीं है। शुरुआती दौर में कुछ जगह पर ईवीएम वगैरह की शिकायतें आई थी, जिसको तत्काल डीएम साहब ने और उनके अधिकारियों ने उसको तत्काल को दूर समस्या को दूर कराया। सभी जगह पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। जो चिन्हित किए गए हैं तमाम ऐसे हैं कि जहाँ पर उपद्रव हो सकता है या पहले हुआ है, तो उन पर किस तरीके की व्यवस्था? चुनाव आयोग के मानकों और निर्देशों के अनुसार हाइपर सेंसिटिव जो बूथ और केंद्र हैं वो चिन्हित किए गए हैं। ऐसे केंद्रों पर विशेष रूप से अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि निकाय चुनाव है, तो इसमें जो क्षेत्र है वो छोटा है और इसीलिए अधिकारी लगातार भ्रमणशील रह करके उन केंद्रों पर लगातार जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना की जानकारी नहीं मिली है और ऐसे सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुँचाने की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फर्जी वोट को लेकर किस तरह की सूचना मिली है? देखिए, लगातार जो है सभी उच्च अधिकारी, सभी लोग हम लोग भ्रमण में हैं। उस क्रम में जो आधार कार्ड वगैरह है उनको भी हम लोग चेक कर रहे हैं, रेंडमली क्रॉस चेक कर रहे हैं, QR कोड वगैरह स्कैन कर रहे हैं। उसमें कुछ वोटर पकड़े गए हैं जिसमें जो आधार कार्ड के स्कैन से उनका जो है मैच नहीं किया, तो उनको अभी हम लोग थाने ले गए हैं। बाकी जो अग्रिम कार्रवाई है वो विधि कार्रवाई है की जा रही है। कितने